दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आड़वानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्य प्रेम को वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है विद्वां ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप जानेंगे इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों की उस मूवी को उन्नीस जून दो हजार तेईस को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो की लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस बार की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और 92% गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिरी में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्यप्रेम की कथा मूवी ओ टी टी आरोप चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर दो में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्य प्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वास ने चलिए दोस्तों अब हम आखिर में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा अड़वनी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्य प्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गुगल एजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो तो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात कर तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब आर्यन उसे कथा मतलब से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे ही ये मूवी YouTube पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तेंबर दो हजार में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढकर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ देख सकते हैं दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई एम डी रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी पर देखना चाहते हैं तो यह है मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तेंबर दो हजार तेईस में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गुगल एजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिसियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटीटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी ऐसी एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों की कथा मूवी मूवी जिसके बनाने में में लगभग करोड़ का बजट को 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 खर्च किया गया गया था था उस को 19 जून 2023 को सिनेमा हॉल रिलीज कर दिया था। और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है कि की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो की लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और 92 टू परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिसियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह है मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर दो में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिर में जानते हैं आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे काम ना देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और 92 टू यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिसियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तेंबर दो हजार में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान्स ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई थे फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आएम रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट बात करें इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिसियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस को ओ टी टी आरोप देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्य प्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वास ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग करोड़ का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे काम देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और 92% गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब ऑफिसियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटी टी आरोप देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आड़वानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्य प्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गुगल एजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो तो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी पर देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात कर तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्य प्रम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई एम डी रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओटी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम विडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से की रेटिंग दी गई है ऐसी नाइन टू मूवी को पसंद करते हैं आखिरी में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की तो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी पर देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तेंबर दो हजार में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्य प्रम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिसियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी ऐसी एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं में बात करें इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्य प्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे काम देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और 92% गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिसियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे यह मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपका अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई थे फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस बजे सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब ऑफिसियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस को ओ टी टी आरोप देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह है मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तेंबर दो हजार में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वास ने चलिए दोस्तों अब हम आखिर में जानते हैं कि आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे काम देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं आखिरी में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है कि प्रेम की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो तो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी देखना चाहते हैं तो यह है मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तम्बर दो हजार में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओटी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आड़वानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉ करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्य प्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी की आएम डी रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की तो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तम्बर में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्य प्रम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सत्य प्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गुगल एजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिरी में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओटीटी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटीटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हिटिया फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के की रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर इस 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 मूवी 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 को 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 पसंद करते हैं हैं में में बात बात करें करें आप कहा और कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस को फ्री नाइन्सेंट गें देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तम्बर में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो स्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे काम देख सकते हैं तो सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और 92 टू परसेंट गुगल इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई है फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है कि प्रेम की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस बजे सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परूगल इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिसियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिर में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे काम देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से की रेटिंग दी ऐसी नाइन्टी टू परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटी टी आरोप देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी आरोप देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तम्बर दो हजार में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान्स ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है कि प्रेम की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिरी में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिसियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी पर देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी पर देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर दो में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब ऐसी एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो की लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओटी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा अड़वाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्य प्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्य प्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई एम डी रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की तो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह है मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करे तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब कार्तिक उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्य प्रम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सत्य प्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो की लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजो प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तम्बर में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई है फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है कि की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो की लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिसियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह है मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी आरोप सप्तम्बर दो हजार में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करे तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब कार्तिक मतलब आरणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि प्रेम की आखिरकार सत्य कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई एम डी रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आड़वानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है कि सत्य प्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल को पसंद करते हैं आखिरी में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की तो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी पर देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तेंबर दो हजार में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करे तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गुगल एजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम विडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटीटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी ऐसी एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों की कथा मूवी मूवी जिसके बनाने में में लगभग करोड़ का बजट को 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 खर्च किया गया गया था था उस को 19 जून 2023 को सिनेमा हॉल रिलीज कर दिया था। और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है कि की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो की लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई एम रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी आरोप चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्य प्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिर में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे काम ना देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और 92% गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान्स ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई थे फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस बजे सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिसियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी पर देखना चाहते हैं तो यह है मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर दो में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफ प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम में जानते हैं कि आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे काम देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं आखिरी में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटी पर देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है कि प्रेम की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो की लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी पर देखना चाहते हैं तो यह है मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर दो में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिर में जानते हैं की आखिरकार सत्य प्रम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब ऑफिसियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओटी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है कि सत्य प्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से की रेटिंग दी गई है ऐसी नाइन्टी यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक ऐड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की तो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तम्बर में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आड़वानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि प्रेम की आखिरकार सत्य कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो, तो सत्य प्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गुगल एजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिरी में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओटी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर दो में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों की कथा मूवी मूवी जिसके बनाने में में लगभग करोड़ का बजट को 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 खर्च किया गया गया था था उस को 19 जून 2023 को सिनेमा हॉल रिलीज कर दिया था। और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो की लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब ऑफिसियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तम्बर में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे काम देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और 92% गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई है फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है कि प्रेम की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस बजे सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिसियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तम्बर दो हजार में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिर में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे काम देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से की रेटिंग दी ऐसी नाइन्टी टू परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटी पर देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी आरोप देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तम्बर दो हजार में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान्स ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिसियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी पर देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी टी पर देखना चाहते हैं तो यह है मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर दो में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो कि है सत्यप्रेम, मतलब मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्य प्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे काम देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिसियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी ट्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओटी टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा अड़वाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्य प्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्य प्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आएम रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की तो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह है मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करे तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब आर्यन उसे कथा मतलब से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सत्य प्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो की लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर दो में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करे तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्य प्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान्स ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हिटिया फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है कि सत्य प्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी की आईम डी रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर इस 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 मूवी 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 को 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 पसंद करते हैं हैं आखिर में में बात बात करें करें आप कहां और कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस को फ्री नाइन्सेंट पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी मु टी पर देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह है मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तम्बर में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा अड़वानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम में जानते हैं की आखिरकार सत्य प्रम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और 92 टू परसेंट गुगल एजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे यह मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटीटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ एक म्यूजिकल लव स्टोरी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई थे फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ देख सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस बजे सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब ऑफिसियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर दो में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब आडवाणी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर स ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई फिर फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से की रेटिंग दी ऐसी नाइन्टी टू परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटी टी आरोप देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओटी आरोप देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी टी आरोप सप्तेंबर दो हजार में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्य प्रेम मतलब आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा आडवानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई थे फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट मूवी को पसंद करते हैं आखिरी में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिसियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो तो इस मूवी को ओ टी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की सत्य प्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब कार्तिकी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्य प्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर ने चलिए दोस्तों अब हम आखिर में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्य प्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे काम देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग भी देखो तो मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और 92% गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजो प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और बात करें कि इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओटी पर सितंबर 2023 में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की इस कमाल की मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की है सत्यप्रेम मतलब कार्तिक आर्यन उसे कथा मतलब क्यारा अड़वानी से एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आड़वाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वान ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं कि आखिरकार सत्य प्रेम की कथा मूवी हिट विट फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग एक करोड़ रूपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्य प्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहां देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई एम डी रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी टू परसेंट गुगल एजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब आरोप ऑफिशियल तरीके ऐसी अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ये मूवी यूट्यूब अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो तो इस मूवी को ओ टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओ टी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर दो में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कमाल की मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में बात कर तो इस मूवी के अंदर लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना आगे बात करें इस मूवी के बारे में तो सत्य प्रेम की कथा मूवी को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास का लड़का दिखाया जाता है जो की मतलब मतलब एक तरफा प्यार हो जाता है लेकिन क्यारा आडवाणी अभी के समय तपन जो की उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप का सामना कर रही होती है अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा क्या सत्यप्रेम को कथा मिल पाएगी वही इस मूवी के अंदर आपको काफी अच्छे से डायरेक्ट करके दिखाया गया है मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने चलिए दोस्तों अब हम आखिरी में जानते हैं की आखिरकार सत्यप्रेम की कथा मूवी हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों सत्यप्रेम की कथा मूवी जिसके बनाने में लगभग साठ करोड़ रूपए का बजट को खर्च किया गया था उस मूवी को उन्नीस जून दो को सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिया गया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ठीक कारोबार भी किया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को क्रॉस करके लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी तो इससे यह तो पता चलता है की सत्यप्रेम की कथा एक सेमी हिट मूवी साबित हुई अब बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए और यह मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे कहा देख सकते हैं तो दोस्तों सत्य प्रेम की कथा मूवी के अंदर आपको एक काफी अच्छी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग सभी ऑडियंस को पसंद भी आती है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग भी देखो तो मूवी को दस से सात की रेटिंग दी गई है और नाइन्टी गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं आखिर में बात करें इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों में आप सभी को बता देना चाहता हूँ की अभी के समय सत्य प्रेम की कथा मूवी आपको यूट्यूब पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड करी हुई देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे ही ये मूवी YouTube पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें दोस्तों उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटी टी देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ की इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिसाइड कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों अगर आप सत्य प्रेम की कथा मूवी ओटी आरोप देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम वीडियो आरोप देखने को मिलेगी और बात करें की इसकी लॉन्च डेट कब है तो यह मूवी आपको ओ टी टी आरोप सप्तम्बर दो में ही देखने को मिल जाएगी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद